मंडी में प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को साल 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कमर कस ली है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी जानकारी व प्रशिक्षण आजकल दिया जा रहा है। प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को साल 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कमर कस ली है। इस लक्ष्य को पाने के लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी जानकारी व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली दो दिवसीय कार्यशाला आईपीएच विभाग मंडी के ढांडसी धार स्थित प्रशिक्षण संस्थान में शुरू हुई। इस कार्यशाला में मंडी के अलावा हमीरपुर, कुल्लू, धर्मशाला, नूरपुर और चंबा के अधिशासी अभियंताओं सहित अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ लेखाकार अनूप कटोच की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम मिशन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मंडी जोन के मुख्य अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाना, इसके तहत होने वाले खर्चे को लेकर वित्त प्रबंधन प्रणाली से अवगत करवाना और कार्यान्वयन की वास्तविक समय निगरानी को लेकर अधिकारियों को शिक्षित करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन के जरिए हर घर में पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। हिमाचल को इस योजना के तहत केंद्र से 90-10 के अनुपात में सहायता मिलेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि मिशन के हर पहलू को लेकर पूरी स्पष्टता के लिए कार्यशाला का पूरा लाभ उठाएं। आज हमारे ट्रेनिंग सेंटर में 2 दिवसीय PFMS पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की कार्यशाला शुरू हुई है। ये PFMS सिस्टम जो है, ये जल जीवन मिशन है हमारा, जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की। इसमें हर घर को 2024 तक नल से जल देना है। तो इसके अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में 17 करोड़ 87 लाख हाउस होल्ड हैं, उसमें से 3 करोड़ 27 लाख को पानी मिला है। शेष को चरणबद्ध तरीके से 2024 तक हर नल देना है। इसमें 3 करोड़ 60 लाख का रुपए का बजट प्रावधान कर लिया गया है। इसमें हिमाचल भी भागीदार होगा। इसमें हमें 90 और 10 की रेशो से 90% पैसा स्टेट से आएगा, 10 सेंटर से आएगा, 10% स्टेट लगाएगी। तो इसको जो खर्चे का सिस्टम है, इसको PFMS से कैसे जोड़ना है, इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे होगी, इसके लिए ये कार्यशाला है। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग में ये होगा कि एक एक्सिन जो खर्चा करेगा इसमें, वो एकदम दिल्ली में बैठा हुआ आदमी उसको मॉनिटर कर पाएगा। तो ये जो जल जीवन मिशन और PFMS का जो एक संयोग कन्वर्जेंस बनेगी, इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ट्रांसपेरेंसी बहुत आएगी और जल जीवन मिशन से बहुत नल लगने से एक जो हमारा ODF सिस्टम स्टेट को स्टेटस मिला है, वो भी सस्टेन होगा। तो इसी के साथ मैं इस कार्यशाला की कामयाबी के लिए सबको बधाई देता हूँ। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए HTA के साथ। नमस्कार।